गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू योर अनदर वीडियो। तो आज का जो सीन है, सीन कुछ ऐसा है कि मैंने सोचा यार, एक बाइकें तो बहुत सारी हो गई लेकिन पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया, तो एक अपन या तो एक बैटरी वाली बाइक देख के आते हैं। कौन सी स्कूटी ज़्यादातर चल रही है बाइकें, तो उसमें जो बैटरी वाली जो बाइकें आ रही हैं बहुत महंगी आ रही हैं, समझ रहा हूँ। तो अपन वो देख के आते हैं और आप भी देख लेना जिसको लगेगी, इसके सब पूरे डिटेल लेके आएंगे अपन, कौन सी कितने की क्या पड़ती है और मतलब कितने घंटे पे कितनी क्या चलेगी। तो आपसे मैं मिलता हूँ डायरेक्ट बाइक के ऊपर, वीडियो में आगे बने रहिए। तो फिर अभी अपन चलते हैं फटाफट। आज पानी भी ऐसा गिर गया है, पानी मजे ले रहा कुल मिला के, बात ही और कुछ भी नहीं, सिर्फ 5-1 मिनट के लिए गिरेगा वापस चले जाएगा। सुबह से यही देख रहा हूँ मैं आज। अभी तो वैसे थोड़ा आसमान साफ है, पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया यार, क्या 3-4 साल में क्या है ये सब, पेट्रोल वाली बाइकें कोई की बंद। लेकिन जो मज़ा इनका उनका उनमें थोड़ी आता है, बड़ा क्या करना, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता, कुछ पैसे बचाना है तो अपना आपको मारना भी पड़ेगा, मतलब समझ रहा हूँ मैं, बस यही मसला। मतलब सोच रहा होगा यार, बड़े जावा कैसे निकाल लिया, मान ली उसको भी, उसको कह के लिया अपन ना सजाने के लिए, उसको मैं निकाल लेता कभी सभी अपन। अभी क्या हुआ था, जावा में थोड़े दिन पहले मैंने इधर साइड ग्रिल डाल दी उधर और ब्रेक लगा दिया और केरियल लई कसम, इतनी बस्तर लग रही है, मैंने निकाला 2-3 दिन लगाया मैंने। मैंने क्या रिएक्शन आता पहले पूछेंगे दोस्त यारों से, मैंने क्या क्या जम रही कि नहीं जम रही, बोला नहीं जम रही यार। जावा शोरूम पे भी जाऊँगा मैं यार वापस, अभी क्या है को केरियल लाया मैं सीट, वो अपना बैग, अपना केरियल पोपड़े निकलने लग गए इतने ढट क्वालिटी का दिया उन्होंने, दोबारा बजाऊँगा बदला के लाऊँगा सालों से, मज़ा नहीं आता बड़ा यार। पैसे तो मैं पूरी ओरिजिनल पैसे ले रहा हूँ ना, चीज़ भी ओरिजिनल दो ना यार, फिर मसला क्या, पीछे का करिए निकाल दो ना केरियल और ये, तो बाइक क्या पूरी हार्ले डेविडसन लुक देती, केरियल वेरियल लगाता तो पूरा नाश हो जाता। चलो ठीक, मिलता हूँ आपसे वहीं पे। मैं आ चुके हैं यहाँ पे, अभी पूरी समझते हैं क्या करें। मेरा नाम गर्वित जैन है, मैं यहाँ का ओनर हूँ सुरक्षा टी वी सर। हमारी फर्म 30 साल पुरानी फर्म है, अभी हमने फरवरी में ही हमारे इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शोरूम खोला है, जिसमें हमारे पास में 42,000 से स्टार्टिंग प्राइस है गाड़ियों की, जो 1,93,400 तक के भी जाएगी। हमारी हाईएस्ट रेंज है 170 किलोमीटर। तो चलता है बाइकों के पास जी, बिल्कुल सर। फर्स्ट बाइक है और इसकी डिटेल्स क्या बता दीजिए मुझे। ये हमारा सुपर इको कंपनी का पहला मॉडल है सबसे, ये 8 ईयर पुरानी कंपनी है, टॉप 10 कंपनी में आती है, आपने सारा इवॉल्व का नाम सुना होगा, उसी का ब्रांड है सुपर इको। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो अपन 96,750 की प्राइसिंग है, विद कंप्लीट एसेसरीज आएगी आपको। अगर आपको इसमें इंश्योरेंस कराना है तो आप इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। इंश्योरेंस की भैया बात अपन या तो पूरी वेट के कर लेंगे एक बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका एवरेज रहेगा 70 से 80 किलोमीटर और इसकी स्पीड रहेगी 40 से 50 की। अगर आप इसकी चार्जिंग टाइम की बात करेंगे तो 3-4 आवर्स में आपकी गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी, ऑटो पावर कट चार्जिंग आता है,
आपको बस रात में चार्जर लगा के छोड़ देना है, आपको देखने की भी बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। यह हमारा दूसरा व्हीकल है, यह हमारा दूसरा व्हीकल है। इसकी प्राइसिंग रहेगी 63,900, जिसका चार्जिंग टाइम रहेगा 6 आवर्स और इसकी स्पीड भी 40 से 50 की रहेगी। इसका एवरेज रहेगा 50 से 60 का। मंत्रा कंपनी का मॉडल लीजेंड। यह हमारा मंत्रा कंपनी का मॉडल है, न्यू राइडर। 51,700 इसकी प्राइसिंग रहेगी। इसका चार्जिंग टाइम 6 आवर्स रहेगा। स्पीड इसमें 40 से 50 की रहेगी और एवरेज 50 से 60 का रहेगा। 1 ईयर वारंटी आएगी, स्टैंडर्ड वारंटी है बैटरी की, लेड एसिड बैटरी आएगी। इसमें अपन आगे और आ जाते हैं तो हाँ, इसकी प्राइसिंग रहेगी 76,300 रहेगी। ये आपको 70 किलोमीटर की रेंज देगा। इसमें 60 वोल्ट की बैटरी डली हुई है जो 40 से 50 किलोमीटर 40 से 50 की स्पीड देगी आपको। बाकी और दूसरी पे आ जाते तो अपने पास में ओडीसी ब्रांड का भी एक प्रोडक्ट है हमारे पास में, जो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो अपन 67,900 है इसकी प्राइसिंग और चार्जिंग टाइम 6 आवर्स रहेगा। एवरेज की इस बात करें तो 60 से 70 किलोमीटर चलेगी। और आगे आ जाते तो अपन ओरेवा का भी हमारे पास में प्रोडक्ट, सभी बाइकों के अंदर आप अपने हो गया डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल जाता है। हाँ, लगभग हमारे मॉडलों में, बहुत सारे मॉडल में डिस्क ब्रेक मिलेंगे आपको। जो थोड़ी लो सेगमेंट प्राइस में है उसमें डिस्क ब्रेक नहीं मिलेंगे आपको। बाकी हमारी गाड़ियों में लगभग डिस्क अवेलेबल हैं। इस मॉडल की बात करें तो मैंने इसकी प्राइसिंग है 52,100। ये चलता है 60 किलोमीटर फुल चार्ज पे और इसकी 1 ईयर बैटरी की वारंटी आएगी। बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो सभी गाड़ियाँ मेड इन इंडिया है। ये जो इस कंपनी की बात करें तो अपनी गुजरात की कंपनी, 12 साल पुरानी कंपनी है। हाँ, ये बाइक तो मुझे ना पूरी स्कूटी जैसी लग रही है। ये कौन? हाँ भैया, ये भी इलेक्ट्रिक में लॉन्च करी है, जो आपने देखा होगा अपनी पुरानी स्टार्टिंग में स्कूटी पेप्ट आती थी। हाँ, उसके एक थोड़ा सा एक लुक देने की कोशिश करी कंपनी ने। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो अपन 50,000 इसकी प्राइसिंग रहेगी, जो इसकी टॉप स्पीड रहेगी 30 से 40 की रहेगी और एवरेज रहेगा 60 किलोमीटर्स का। तो बढ़ते अपन आगे। ये बाकी दोनों सेम ही मॉडल है, इसमें 3 कलर अवेलेबल है अभी, ब्लू, ब्लैक और एक ऑरेंज भी है, रेड है। अगर अपन बात करें इस मॉडल की तो इस मॉडल की डिटेल क्या आप मुझे बताइए। ये सुपर इको ब्रांड का मॉडल है, T1। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो अपन 88,600 इसकी प्राइसिंग रहेगी। इसमें चार्जिंग टाइम रहेगा 3 to 4 आवर्स और इसकी स्पीड रहेगी 40 से 50 की। इसमें मोटर लगी है 1000 वॉट की और इसका एवरेज रहेगा 70 से 80 किलोमीटर का। ओ वाइट, ये वाइट की प्राइसिंग है 88,600 ना। ये मंत्रा की है, मंत्रा भी अच्छा ब्रांड है, अपने हिसार का ही ब्रांड है। ये 70 से 80 किलोमीटर चलेगा फुल चार्ज पे और इसकी 3 ईयर वारंटी आएगी बैटरी की। अच्छा, इसमें आपको लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है इस प्राइस पॉइंट पे, जो कि उसकी बैटरी लाइफ रहेगी 4 to 5 ईयर्स। और ये भैया जो पास में जो खड़ी है ये वाइट कलर में, ये भी मेरे को वेस्पा की स्कूटर जैसी लग रही है। हाँ, ये भी वेस्पा जैसा ही लुक देने की कोशिश करी कंपनी ने। 88,600 इसकी प्राइस है। और बाकी अपन इसके एवरेज की बात करते हैं तो 70 से 80 किलोमीटर चलेगा फुल चार्ज पे और बाकी स्पीड है 40 से 50 की रहेगी सभी गाड़ियों में, जो कि RTO इंश्योरेंस की बात आ जाती है, इसलिए कंपनी ने स्पीड कम ही दी है। और अपन थोड़ा आगे आ जाते हैं तो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन में भी हमारे पास में एक प्रोडक्ट अवेलेबल है, सुपर इको का। ये चीज़ कोई अलग ही लगी। हाँ, इसकी लाइट अपन दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करेंगे तो सबसे पावरफुल इसकी लाइट है। ये आपको फुल चार्ज में देगी 70 से 80 किलोमीटर का एवरेज और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 88,600। एक बार अपन इसका मीटर कंसोल देख लें। बिल्कुल, डिजिटल मीटर मिलेगा आपको सभी गाड़ी में हमारी। चालू करके दिखाएं, इसका लुक कुछ अलग ही आ रहा है। इसको एक बार अपन बाद में आपको एक बार चालू करके भी दिखा देंगे, स्टार्ट करके। अभी अपन कवर करते हैं उसके पास वाली बाइक। ठीक है, डिटेल सर। इस गाड़ी की अपन बात करें तो ये नेक्सू कंपनी का मॉडल है, पुणे की कंपनी का, पुणे बेस्ड कंपनी है। मॉडल डेक्स्ट्रो है। 69,600 में आपको ये गाड़ी मिलती है विद कंप्लीट एसेसरीज। बाकी अंदर अपने को बैक रेस्ट भी कुछ अच्छा, हाँ, देखने को मिल जाता। अच्छा है, सॉफ्ट रहेगा, अच्छी हैवी क्वालिटी का है, पिलियन को भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इसकी पोर्टेबल बैटरी, आप इसकी बैटरी निकाल के घर पर भी चार्ज कर सकते हो। अपन अगर बात करें इस बाइक की, ये थोड़ी स्पोर्ट्स बाइक लग रही है,
भैया ये ओडीसी कंपनी की मॉडल ईवो किस बाइक है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक है जो आपको इस प्राइस सेगमेंट पे मिलेगी। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो अपन 193,400 इसकी प्राइसिंग रहेगी। इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो अपन 90 प्लस की इसकी टॉप स्पीड रहेगी, और इसकी एवरेज की बात करें अपन तो इसमें 130 किलोमीटर चलेगी, 130 किलोमीटर चलती है फुल चार्ज पे। इसकी चार्जिंग टाइम की बात करें अपन तो मात्र 3-4 आवर्स में गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है आपकी। लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाती है आप में इसको। इस प्राइस पॉइंट पे आपको हम सब कुछ करके कंप्लीट करके देंगे, आरटीओ इंश्योरेंस सब इंक्लूड है इसी प्राइस पे। लुक है, मुझे ऐसा लग रहा है जो यामाहा की फेजर आती है सेम टू सेम आगे से लुक थोड़ा ऐसा आ रहा है। हाँ, क्योंकि एक अपनी नॉर्मल बाइक जैसा भी लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि लोग सोचे कि इलेक्ट्रिक बाइक है कुछ अलग लग रही है, नॉर्मल बाइक जैसे नहीं लग रही है अपनी। आपका कहना तो अपन चलते हैं वो उस बाइक को कर लेते हैं। जी बिल्कुल, चलिए। इस प्रोडक्ट की अपन बात करें तो ये सुपर इको कंपनी का है मॉडल जेड प्लस। ये आपको सबसे कम प्राइस में लिथियम आयन बैटरी में मिलता है विद 3 ईयर वारंटी। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो अपन 53,550, और इसके अगर स्पीड की बात करें अपन तो 40 से 50 की स्पीड मिलेगी आपको इस प्राइस पॉइंट पे, और एवरेज भी इसका 50 से 60 है, बहुत ही डिसेंट एवरेज मिलेगा आपको। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कमी हो जाएगा एवरेज। तो भैया मैं आपसे यूँ पूछना चाहता हूँ कि जो ये वारंटी आप दे रहा हो तो ये सिर्फ बैटरी की आ रही है कि पूरी बाइक की आ रही है? नहीं, जो हम वारंटी दे रहे हैं आपको सिर्फ बैटरी और मोटर की देंगे। मोटर की 1 ईयर की वारंटी आती है और बैटरी की 3 ईयर्स की। अच्छा, वो बैटरी के ऊपर डिपेंड रहता है, अगर आप लेड एसिड लेंगे तो उसमें 1 ईयर की रहेगी और लिथियम में 3 ईयर की। ठीक है, क्या डिटेल है? ये ओडीसी कंपनी का है मॉडल हॉक प्लस। ये इंडिया का सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो 170 किलोमीटर चलता है फुल चार्ज पे। अगर अपन इसकी स्पीड पे बात करें तो 40 से 50 की किलोमीटर की स्पीड देगा आपको पर किलोमीटर। इसमें खास फीचर भी, इसमें म्यूजिक सिस्टम भी है। अच्छा, आप गाने भी सुन सकते हैं चलते चलते। जैसे अब अपन इस बटन को प्रेस करेंगे तो म्यूजिक सिस्टम ऑन हो जाएगा। ये भी सही है। हाँ, हम उसमें आपको सॉन्ग प्ले करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है यूट्यूब से। अच्छा, इसलिए इसकी पोर्टेबल बैटरी देखने को मिल जाती है आपको। आप इसकी बैटरी आराम से निकाल के घर पर चार्ज कर सकते हैं। कीलेस एंट्री का ऑप्शन है सभी गाड़ियों में, बिना की के आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, आपको मैं स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। ये इसका रिमोट है, 4 बटन्स मिलते हैं इसमें आपको, लॉक, अनलॉक, अलार्म और स्टार्ट। ये अनलॉक करा अपन ने और 2 बार ये बटन को प्रेस करना है। ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है, आप देख लीजिए हॉर्न चालू है, पीछे का व्हील भी रन हो रहा है, आप देख लीजिए। ये हो रहा है, भेज देती हूँ। सॉरी, वो साइड सेंसर था इसलिए वर्क नहीं कर रहा। क्या है कि साइड स्टैंड नीचे डाउन था इसलिए बाइक ने डाउन नहीं किया। हाँ, वो थोड़ा हमारा ध्यान नहीं गया। हाँ। तो ब्रो, अपने यहाँ पे से देखने को मिल जाता है, यहाँ पे से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे से एक्सीलरेटर देना है और आपकी बाइक जो है पानी हो जाएगी। पानी अभी चल रही है ये 20 की स्पीड पे। इसका जो रहता है ये यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे ये फर्स्ट पे इतनी चलेगी, सेकंड पे इतनी चलेगी, थर्ड पे इतनी चलेगी, उस हिसाब से आपको एवरेज भी देखने को मिल जाता है इस बाइक के अंदर। तो अपन आगे चौराहे पर से यहाँ से घुमा लेंगे, बाकी ब्रेक व्रेक तो सब ठीक है बाइक के हिसाब से। चार्जिंग गाड़ी है, नॉइज़ भी बिल्कुल भी नहीं है। एक बार अपन इसको सेकंड पे एक बार चला कर देखते हैं कि क्या इसकी एक्सीलरेशन आता है। ब्रो, बाइक तो बस अच्छी है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है स्पीड 33। ये 33 से आगे नहीं जाएगी सेकंड पे, और अगर अपन करते हैं थर्ड तो थर्ड में जाएगी। देख लेते हैं अभी कितनी क्या जाएगी हिसाब से। ब्रेक भी अच्छे हैं इसमें, ये हॉर्न है। अब क्या कर रहा हो बड़े, ये भी थर्ड गियर में, मतलब इस हिसाब से थर्ड गियर सोच लो कि ये इतने में इतनी जाएगी। अभी देख लेते हैं अपन,
बढ़िया है यार। और कह लो अभी इस सिटी के हिसाब से मतलब आपके पे 100 रुपये रोज़, 100-200 रुपये आपके रोज़ बच रहे हैं, उस हिसाब से तो बहुत अच्छी बाइक है। आप आइए एक बार भैया के यहाँ, एक बार विज़िट करिए, आपको चला के देखिए, जो भी अच्छा लगता है कौन सी बाइक स्कूटर जो भी आप बोलें ले लीजिए। एक बार अपन इसका पिकअप चेक करते तीसरे गियर पे, तो कुछ ऐसी ये इसकी दिखाती है। ठीक है, बाइक तो बहुत अच्छी है, ये इंडिकेटर इग्निशन है, अभी बैटरी फुल चार्ज है, और ये छोटी सी डब्बी, इसके अंदर ब्रेक ऑयल लगता है। ठीक है, अच्छी है। जी सर, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर आए तो आप उसको कितने के परसेंटेज? जी सर, हम आपके सब्सक्राइबर का पूरा ध्यान रखेंगे। आपके सब्सक्राइबर के लिए सिर्फ स्पेशल 5% ऑफ रहेगा, अगर वो कैश में लेते तो 5% का ऑफ देंगे हम बिल्कुल उन्हें। ठीक है भैया, आ जाने जो भी, मतलब मेरे सब्सक्राइबर जो भी रहेंगे, आप आओगे आपको यहाँ पर सारी बाइक देखने को मिल जाएगी, तो जो भी होगा भैया से बिल्कुल। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, और मेरा एड्रेस भी, उनका नंबर भी डाल दूँगा और इनका एड्रेस भी डाल दूँगा। अभी अपन कर लेते हैं कोई सी बाइक की टेस्ट ड्राइव। जी, मिलता है आपसे उसकी बाइक। तो ये भैया ने मुझे उनकी शॉप का कार्ड दिया, आप कार्ड देख लेना, पता वता सब लिखा हुआ इस पर। उज्जैन के जो भी हैं सब यहाँ पर एक बार विजिट करके देख लें, अच्छी लगी तो ले लेना, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं, देखना आ जाना। ठीक है, मिलता है वो बाइक तो सारी अच्छी थी यार, दिखने में भी अच्छी, लुकिंग वाइज सब सब अच्छी, चलने में भी एक वो मज़ा नहीं आता जो पेट्रोल में, वो पेट्रोल में आता था, पेट्रोल बाइकों में वो पिकअप, और वो जो भी उसकी न्यू, मतलब अगर आपको पैसे बचाना है तो चीज़ कोई बुरी नहीं है, आपका पैसा वसूल, मतलब अगर आप 2 साल भी उस बाइक को चलाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपका पैसा ही वापस कवर हो जाएगा आपका। ओवरऑल तो सब बाकी ठीक है। तो यहाँ पर हेड लाइट और बैठा देते हैं अपन बाइक, मज़ा आ जाता है कभी कभी। नहीं मैं तो लूँगा यार भैया वो, क्योंकि मेरी तो इच्छा हो रही है, क्योंकि मेरे पास तो बाइक है भैया, ऐसी ऐसी महंगी कि ऐसे ऐसा पीती हैं, आवाज़ भी नहीं आने देती हैं, ऐसी करती हैं क्यों, एक बार डलवाओ ने चुम बताती हैं डायरेक्ट, इसलिए डेली यूज़ के लिए कोई ना कोई सी एक उसमें से एक ले लेंगे, बाकी सब तो बढ़िया है। तो भैया जरा वीडियो को ज़रा सब्सक्राइब भी कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, ज़रा चीचा मज़े नहीं आते मेरी यहाँ नहीं। अरे भाई का फ़ायदा हो जाएगा थोड़ी बहुत यार, और शेयर कर दिया करो ज़रा तुम्हारे दोस्तों तलक है। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं वीडियो के बस, और क्या, घर घर खेलो, चुपचाप बैठ जाओ, जरा मूत के सो जाओ।
बाय बाय टाटा और क्या बोलूँ बाटा। घर पे करूँगा ख़त्म यार कि नहीं, तुम्हारे को छोड़ने का दिल नहीं करता मेरा क्या। Boom.